हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक रेसिपी वीडियो, सोले की रेसिपी। तो आप लोग वीडियो पे जुड़े रहिए, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे सोले भिगो के रखे थे रात को, तो अभी शाम के वक्त है, तो मैं इसे एक दो सीटी लगा लूँगी। उसके बाद यहाँ पे दो तेज़पत्ता डाल के ना, नमक डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के मैं इसको दो तीन सीटी लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। और मैं मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने आलू भी मुझे देनी थी, लेकिन मैं आलू देना भूल गई, तो मैंने बाद में आलू को भी दे दी सीटी लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रेडी कर ली है मसाले, अदरक लहसुन की पेस्ट, चिली, टमाटर और एक प्याज। तो हम ये दो जन के लिए बना रही है, हस्बैंड और मेरे लिए। मेरी बेटी तो खाती नहीं है ज़्यादा, थोड़ी सी खाती है वो, तो इसलिए थोड़ा ही बना रही हो। तो यहाँ पे मैं जो काट के रखी थी ना ओनियन और टमाटो, उसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक अच्छी सी कमेंट करके जाना, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जब ये थोड़ी सी पक जाएगी ना, तब मैं इसमें मसाले डालूँगी। ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर ही डालूँगी। और बाद में ना एक चीज़ और डालूंगी, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी जो मसाला है ना वो डाल दी है, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर। मैं ओनली जीरा ही यूज़ करती हूँ, जीरा पाउडर। तो यहाँ पे थोड़ी सी डाल देती हूँ। अभी थोड़ी सी मसाला को भी पकने के बाद ना, जब थोड़ी सी मसाला पक जाएगी उसके बाद मैं यहाँ पर सोले को डाल दूँगी जो मैंने बॉयल करके रखी है। अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। यहाँ पे देखिए, मैंने जो बॉईल करके रखी है सोले, तो ये बॉईल हो चुकी है अच्छी तरीके से। बहुत गर्म है। ये देखिए अच्छी तरह से पक गई है, और अगर थोड़ी सी नहीं पकी है तो भी मतलब हो जाएगी, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसको डालती हूँ, मसालों के साथ मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने नमक और थोड़ी सी हल्दी मैंने दी थी ताकि ये इनका रंग थोड़ी सी बदल जाए। और मैं जब इनको मतलब सोले को उबाल रही थी ना, वहाँ पे मैंने खाने वाले पानी ही यूज़ की थी, तो वो पानी मैंने यहाँ पे डाल दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़ी सी उबल आने के लिए मैं वेट करूँगी, थोड़ी सी हिला के उबल आने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद के मतलब रखी है। अभी यहाँ पे मैंने जो पराठा है, रोटी है, वो भी बना ली है। और यहाँ पे थोड़ी सी कटा हुआ धनिया यहाँ पे थोड़ी सी ऐड करूँगी, बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे हरा धनिया यूज़ करूँगी। और उसके बाद जो बाज़ार से आते हैं ना सोले मसाले, तो थोड़ी सी लास्ट पे उसको भी मैंने यूज़ की है। मैं दिखाती हूँ कौन सी,
तो आप लोग मुझे फ्रेंड्स कमेंट करके बताना मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए, ये छोले मसाला मैंने डाली थी लास्ट पर और यहाँ पे अभी हो गई है रेडी। तो अब और फ्रेंड्स खाने में ना बहुत ही टेस्टी बनी थी, जो मैंने छोले मसाले डाले थे ना बहुत अच्छी टेस्ट आई थी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसे घर पर बना के खाइए। तो आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पर, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी फ्रेंड्स मेरी वीडियो देख रही हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।